हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कॉर्न के लड्डू। ये भी मैंने जन्माष्टमी में जो मेवा और जो पंजीरी बनाई थी वो रखी हुई थी मेरे पास, उसे ही मिला के मैंने ये कॉर्न के लड्डू बनाए हैं। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बनाने में भी बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। जन्माष्टमी में बची हुई सारी पंजीरी और ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर मैंने ये लड्डू बनाए हैं। अभी ये देखिए, ये मेरी पंजीरी है, इतनी इतनी बची हुई पंजीरी थी मेरी, करीब 1.5 कप लगभग थी पंजीरी। ये देखो इतनी पंजीरी थी, ये हम अलग रख लेंगे अपनी पंजीरी को। और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स से सारे बचे हुए, ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स थे दोनों तरह के मेरे, जो मैंने मेवा पाकी थी साबित मेवा, जो मैंने एक वीडियो अपना बनाया था उसमें डाला था, वही मेवा थी। ये सारी मेवा बची हुई थी, जो भी मेवा बची हुई है सारी मेवा को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे एक बार, बस थोड़ा चलाने में ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका पाउडर बना लिया है, मोटा मोटा पाउडर मैंने इसका तैयार कर लिया। ये देखिए दरदरा इस तरीके से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी चलाने से ही इतना दरदरा पाउडर इसका बन गया है। और बस इसको हम अलग रख लेंगे और एक गैस पर कढ़ाई रखेंगे थोड़ी सी, और इस उसमें अभी हम थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी। ये देखिए मैंने छोटा सा एक चमचा और एक और डाल लेती हूँ, यानी कि 4 से 5 चम्मच घी हम इसमें डाल लेंगे देसी। आप चाहें तो कोई कुकिंग ऑयल भी तैयार कर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है कि वो अच्छी लगेगी खाने में, इसलिए। और बस इसमें अब थोड़े से ड्राई फ्रूट जो भी आप डालना चाहें, मैं तो काजू डाल रही हूँ थोड़े से, ये देखिए। आप और भी कुछ अगर मिलाना चाहें तो वो भी इसमें हल्का सा रोस्ट कर लें बिल्कुल। देखिए अगर आप और ड्राई फ्रूट डालने जाते हैं तो वो वाले डाल सकते हैं, मैं केवल इसमें काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस इन्हें हम थोड़ा रोस्ट हल्का सा करके और अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। और बस अब मैं फिर इसी में कढ़ाई में जो कॉर्न मैंने थोड़ा सा निकाला है कॉर्न को भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ये कॉर्न मैं थोड़ी थोड़ी करके इसको अच्छे से फुला कर निकाल लूँगी। घी में देखो फूल जाएगी डालने से तुरंत, और थोड़ी थोड़ी इसको फूल लेंगे क्योंकि घी हमने थोड़ा डाला है, तो कॉर्न भी हम थोड़ी थोड़ी उसमें डालकर फुला कर निकाल लेंगे, भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे इसको। ये देखिए और मैं अब बची हुई कॉर्न भी सारी डालकर अब इसको भी हम अच्छे से कॉर्न को करके फिर फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने सब निकाल ली है, बस अब इसी कढ़ाई में जो हमने पंजीरी थी हमारी निकाली हुई वो भी इसमें डाल के थोड़ा सा और गरम कर लेंगे। वैसे हमारी पंजीरी बनी हुई है अच्छी, अगर आप पंजीरी नहीं तो आप आटे को अलग से भून कर भी तैयार करके लड्डुओं को बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये पंजीरी बची हुई थी इसलिए मैं उसी के लड्डू आपको बनाकर दिखा रही हूँ। वैसे आप आटे को अलग से भून कर भी अच्छे से बना सकते हैं, और बस इसमें शुगर वगैरह अलग से डाल लेंगे, लेकिन मैं केवल ड्राई फ्रूट जो मेरे पास मेवा है, ये देखिए इसी कढ़ाई में जो हमने अपनी पकी हुई मेवा पीसी थी वो मेवा भी मैंने इसमें कढ़ाई में डाल लिए। देखिए इस तरीके से डाल लेंगे, और बस इसी में मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी। देखिए कप से नाप के मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आधा कप पानी अभी मैंने पहले इसमें डाल रही हूँ, आधा कप डाल दूँगी पहले मैं, और फिर अगर कम लगेगा तो थोड़ा और डाल दूँगी। वैसे इतने में अगर हो गया तो ये देखिए धीमी आंच पर है, मैंने लो फ्लेम पर इसको रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको अच्छे से चलाएंगे और ये खोलने लगेगा। और बस इसी में मैं अपनी गोंद को थोड़ा सा हाथ से दरदरा करके या किसी मैसर से दबाकर ही केवल डालूंगी, इसको पीसेंगे नहीं गोंद को हम, बस थोड़ा सा दबा देंगे, दबाने से ही अच्छे से हो जाएगी, और फिर इसमें बाद में हम इसमें डाल लेंगे। चाशनी मेरी ये हो रही है, ये चाशनी उसी चीनी की जो ड्राई फ्रूट मैंने पाकी थी मेवा, बस उसी का उतना ही कर रही हूँ। अगर आप अलग से बनाएं तो इसमें 1 कप चीनी की चाशनी बनाकर डाल सकते हैं, 1 कप चीनी और आधे कप पानी से कम थोड़ा सा इसमें डालेंगे आप पानी, और चाशनी बना के थोड़ी सी हल्के चिपचिपी चाशनी बनाकर 2 तार की, और इसमें हम इन सब चीज़ों को मिला देंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें
मिला दी है, गोंद भी और अपनी पंजीरी भी पिसी हुई। और बस इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे लो मीडियम आंच पे करके। थोड़ा सा इसको हम ऐसे ही, ये देखिए, हल्का सा चला देंगे, केवल 2 से 3 मिनट के लिए इसमें रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे। और उसके बाद इसको मैंने बहुत सिम कर दिया है, लो कर दिया है। और इसमें अब थोड़ा सा मैं गरी का बुरादा डाल देती हूँ ऊपर से। अगर आपको गरी कसी हुई पसंद है तो वैसा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बुरादा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए ऊपर से गरी बुरादा मैं डाल देती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा लड्डुओं का। आप ड्राई फ्रूट्स जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस इस तरीके से इसको हम अब गरी को भी अच्छे से इसमें मिला देंगे। आँच मैंने बिल्कुल ही लो कर रखी है, बहुत ही हल्की, जिससे कि हमारी ये जले नहीं। आप चाहें तो गैस को बंद ऑफ भी कर दें, बंद कर दें उसके बाद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको अब हम मिलाएंगे ऑफ़ करने के बाद। ये देखिए मैंने गैस ऑफ कर दी है और बस ये थोड़े से बीज हैं खरबूजे के, मिंगी जिसको बोलते हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। मैंने करीब 2 से 3 चम्मच मैंने ये ले लिए अलग से डालने के लिए। और बस इसको ड्राई रोस्ट करते हैं, चटका लेते हैं थोड़ा सा हल्की आँच पर, ये देखिए। और इधर ये मैंने चोको पाउडर लिया है कलर के लिए, आप चाहें कलर का इस्तेमाल करना तो इसमें डाल दें 2 चम्मच चोको पाउडर में। थोड़ा सा पानी मिलाया है मैंने, ये देखिए 2 चम्मच पानी मिलाया है मैंने इसको। और अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी पहले, और थोड़ा पानी डाल देती हूँ, 2 चम्मच और डाल दिया है। 3 से 4 चम्मच पानी डालने से 2 चम्मच कोको पाउडर में, चोको पाउडर में। और बस इसको इस तरीके से मिला कर उसमें डाल दूँ। इसका बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा कोई, आप इसमें डालकर फिर अच्छे से मिला लें। बीज भी मैंने इसमें डाल दिए हैं मिंगी खरबूजे की, और इसको मिला लेंगे। और जो मैंने अभी चोको पाउडर जो अभी बनाया है उसका पेस्ट, वो भी इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है तो आप उसको ना मिलाएं, कोई बात नहीं है। इलायची पाउडर इसमें पहले से था, अगर आपने नहीं डाला हुआ है तो इलायची पाउडर भी पीस के ऊपर से डाल सकती हैं पहले। ये देखिए इसको डाल दिया मैंने पेस्ट को, बस इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, इससे बहुत अच्छे से मिल जाएगा और कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपको कलर ऐसा ही चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप ये ना डालें, इससे टेस्ट में और कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस कलर थोड़ा सा डार्क लगने लगेगा। और बस इसको हम इसी तरीके से अच्छे से मिलाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको पहले भी डाल सकते थे और अच्छे से मिल जाता, लेकिन ये इसमें अभी भी अच्छे से मिल जाएगा। ये देखिए बचा हुआ भी मैं इसमें डाल देती हूँ सारा, और बस इसको कलची की सहायता से अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए ये सारा मिल जाएगा अच्छे से। लड्डू आप इन्हें काफ़ी दिन रख के अच्छे से खा सकते हैं, एक स्टील के डिब्बे में ही बंद करके लड्डुओं को रखेंगे तो काफ़ी समय तक इसमें चल जाएंगे ये लड्डू आपके, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब प्लीज़ जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जो मेरे चैनल पर नया हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मुझे सपोर्ट करें। ये देखिए कलर इनका चेंज हो चुका है, ये देखिए अभी हमने जो बनाया है, मिलाया है मिक्सचर का सारा कलर चेंज हो गया है। और बस अब इसके हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। देखिए कोई भी एक चम्मच नाप की ले लें और उसमें इस तरीके से ये सारा देखिए ऐसी तरीके से डोर निकाल कर, और बस बराबर के लड्डू इससे हम बना सकते हैं। कोई एक चम्मच का नाप या चमचे का बना लें और ऐसे निकाल के हाथों में गोल गोल करके इसको हटाते रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से लड्डू बनाते जाएंगे। ऐसे ही मैं और लड्डू अभी आपके सामने बना देती हूँ, इसी तरीके से सारे लड्डू बन जाएंगे। इसमें अलग से घी लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर घी ऑलरेडी इतना है कि इससे लड्डू हमारे अच्छे से आराम से बन जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम, और मैंने लड्डू बना लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। और बस गोल शेप देके इनको लड्डुओं को मैं नारियल के बुरादे में लपेट रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें सादा इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये देखिए बस इस तरीके से हम इसमें से ये करते जाएंगे और इसमें गोल गोल करके इनके लड्डुओं को बिल्कुल एक से बनाते जाएंगे। और मैं इसमें गरी का बुरादा लगाती जा रही हूँ बराबर। अगर आपको अच्छा ना लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, बिना गरी के बुरादे के भी लड्डू बहुत अच्छे लगेंगे।
आप चाहें तो इसमें पहले ही गरी घिस के डाल सकते हैं, गरी का बुरादा भी डाल सकते हैं, गरी कटी हुई भी डाल सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो आप इसमें वैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सारे लड्डू मैं अब बना, मैं आपके सामने इतने लड्डू बना रही हूँ, और ये देखिए मैं सारे लड्डू बनाकर अब आपको दिखाती हूँ। सारे लड्डू बनाने के बाद तब मैं आपके सामने लाकर दिखाती हूँ कि देखिए कितने अच्छे, ये देखिए लड्डू बहुत ही अच्छे देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए है ना अच्छे लड्डू खाने में और देखने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। आप बनाकर इन्हें खाइए, एक तो जो बची हुई आपकी पकी हुई मेवा और पंजीरी वो भी काम आ जाएगी, और आपको इनको अलग से बनाना है तो आप इसमें अलग से आटे को भूनकर और पंजीरी की तरीके से और मेवा पीस लें आप अपनी इसमें डाल लें, चाहे साबित कटी हुई डाल लें, और थोड़ी सी चाशनी बनाकर, 1 कप चीनी की चाशनी बनाकर, 1 कप चीनी में आधे कप से कम पानी की चाशनी बनाकर मिलाकर और इसमें इनको डालकर मिलाकर बना सकते हैं। थैंक यू मेरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करने के लिए अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आपकी ये वीडियो मेरी कैसी लगी।